नमस्कार, मैं हूं आशीष सोनी। डायनामाइट न्यूज़ टीम आज पहुंची है अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 3 में। यहां हमारे साथ बने हुए हैं अम्बेडकर नगर के नए प्रत्याशी और वर्तमान रह चुके सभासदगण। आइए हम बात करते हैं पहले नए प्रत्याशियों से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद बेदकर, पूर्व सभासद रह चुका हूँ। क्या है आपके विकास के एजेंडा? विकास के एजेंडा मैं NC2 के जब मैं था 322 मकान में निर्माण कराया, 10% देना था लेकिन 10% लोग नहीं दिए, कुछ अधूरा काम रह गया। आप नए प्रत्याशी हैं? नहीं नहीं नहीं, हम पुराने रह चुके हैं। अच्छा, हम पुराने रह चुके हैं, इसके पहले मैं रहा हूँ। और मेरे समय में जो भी काम हुआ, मैं स्वयं लखनऊ से आया यहाँ, पहला चांस है नगर में कि कभी भी NC2 का मकान नहीं था, लेकिन मेरे बदौलत जी, हमारे बदौलत समझिए या डूडा से एपीओ बदौलत समझिए, हाँ। 122 मकान में पास कराया और 122 मकान में 67 मकान यहाँ बन चुका है, लेकिन कोई अभ्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं इसी किसी से एक रुपया लिया हूँ, जिससे मुझे यहीं के लोग 5-6 लोग दरखास्त भी डाले कि हाँ NC2 का मकान नहीं बनना है। उसके बाद आपका क्या मुद्दा है आपसे, जो भी आपसे क्या विकास करना चाहेंगे? विकास ये है कि जो भी आधा अधूरा काम है उसको पूरा कराने की सकते है मेरा, कि चूँकि मैं जब था तभी मैं मकान बनाया, सबसे प्रिय रहता है छत। छत रहता है जिस तरह चिड़िया कहीं दाना चुनती है लेकिन अपने घोंसले में आती है, उसी तरह मानव व्यक्ति वहीं भी काम करता है तो जरूर शाम को अपने घर में आता है। चलिए, और घर में बहुत खूब बहुत खूब। आइए अब बात करते हैं हम अमन जी से। कैमरे क्या है आपका विकास का एजेंडा? मेरा विकास का एजेंडा पहला नंबर बेरोजगारी। बेरोजगारी इतना सीमा चरण पर चल रही है कि हत्या भी हो रहा है, लूट घसोट चल रहा है। मेरा सोच यही है कि बेरोजगारी समाप्त हो। कैसे समाप्त होगी बेरोजगारी आपके अम्बेडकर नगर वार्ड में? क्या ऐसा करेंगे आप? क्या ऐसा करेंगे? विकास जब हम कुछ लायक जनता बनाएगी तो विकास करेंगे। बेरोजगारी जो पात्र व्यक्ति उनको पेंशन दिया जाएगा। आजकल यही हो रहा है, जो जीत रहा है वो अपना देख रहा है न, हालांकि पेंशन बुजुर्ग लोग नहीं पा रहे हैं, जो अपात्र व्यक्ति पा रहे हैं पेंशन। बस सड़क सड़क की निर्माण यही देख लीजिए आपके सामने कितना सही निर्माण हुआ है, उसे बताने की क्या बात है। 38 लाख का काम है या 38 लाख का ठीका है, देख लीजिए। और उधर मोहल्ले में जाकर देख लीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं।